ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे TDR को लेकर। TDR आप कैसे कर सकते हैं यदि आपका टिकट किसी कारणवश छूट जाता है, यानी कि आप ट्रेन में आपने बुक कर रखे हैं और उस ट्रेन पे आपने चढ़ नहीं पाते हैं, टिकट तत्काल का हो या फिर नॉर्मल टिकट हो। तो यहाँ पर बात करेंगे ई टिकट और आई टिकट दोनों को लेकर। यदि आप काउंटर से टिकट बुक करवा रखे हैं तो उसे कैसे आप TDR करवा सकते हैं, यदि आपने अपने मोबाइल फ़ोन से करा रखे है तो उसे आप TDR कैसे कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब भी हम टिकट बुक करते हैं तो दो तरह से टिकट हम बुक कर सकते हैं। फर्स्ट में हम ई टिकट, सेकेंड में आई टिकट। ई टिकट अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से हम बुक करते हैं और सेकेंड में आपको आई टिकट यानी कि काउंटर से टिकट बुक कराते हैं हम लोग। यदि आप लोगों ने काउंटर से टिकट बुक करा रखे हैं और किसी कारण बस आपका ट्रेन छूट जाता है, यानी ट्रेन में आप चल नहीं पाते हैं, सॉरी ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना है। इसके बाद आपको वहां से आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद TDR करवाना होगा। यदि आप TDR करवा लेते हैं तो आपको यहाँ पर 50% हैंड टू हैंड आपको पैसे रिफंड कर दिया जाएगा यदि आप ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं तो। इसके बाद यदि आप ई टिकट बुक कर रखे अपने मोबाइल फ़ोन या अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, तो आपको सिंपल करना क्या है, जिस आईडी से आपने टिकट बुक कर रखे वो आईडी आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद तो पहले हम चलते हैं लैपटॉप पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।